उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में महेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल, रेलवे अस्पताल सहित कई कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। महेंद्र सिंह ने जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। 8 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल की समीक्षा की थी। उसके बाद अब मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे और उन्होंने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए मुरादाबाद के सभी प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसके बाद कोविड-19 अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। महेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन की मांग की और उसकी उपलब्धता को भी चेक किया। महेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सही से लोगों का इलाज होना चाहिए और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में ये जो कोरोना-19 की महामारी चल रही है उसी के दृष्टि से मुरादाबाद जिले में आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके पहले मुरादाबाद आए थे और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद के कारण से मुरादाबाद की व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चली, जिसका परिणाम है कि आज हमारा मुरादाबाद काफ़ी कुछ हद तक कोरोना पर नियंत्रण कामयाबी करने में सफल हुआ है। बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद और जिस तरीके से भारत सरकार ने सहयोग प्रदान किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम, कोरोना बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद ऐसे ठीक हुए उन्होंने तुरंत जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनसे संवाद स्थापित करना, कमांड सेंटर को देखना, अस्पतालों का निरीक्षण करना और इन सब चीज़ों का परिणाम यह हुआ कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में कुल 3,10,783 केस थे, एक्टिव केस, वो घट करके आज 84,880 केस पर आ गया है। लगभग 2,25,000 केसों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में और इस कमी के आधार पर जहां उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को हम 38,055 पर पहुंच गए थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 3,700 यानी 3,700 केस पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। इतनी तेज़ी के साथ गिरावट और उस पर नियंत्रण स्थापित करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की व्यवस्था की गई, जिसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया, पूरे भारत में इसकी तारीफ और चर्चा हो रही है, टेस्टिंग को बढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर एक दिन में 3,07,000 टेस्ट करके एक रिकॉर्ड बनाया गया और अभी तक कुल 4,62,00,000 से ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे मुरादाबाद में भी जहां हम लोग 30 अप्रैल को 9,455 एक्टिव केस थे, आज की तारीख में एक्टिव केस 1,107 रह गए हैं, यानी उसकी गिरावट के आधार पर अगर हम देखें तो जहां उत्तर प्रदेश में 2,25,000 केस घटे हैं, वहीं पर हमारे मुरादाबाद में 8,328 केस घटे हैं। पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उस घटाव के आधार पर आज की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम लोग लगभग 1.5% पर आकर स्टैंड कर रहे हैं और वहीं पर हमारे इस मुरादाबाद में भी हम लोग 1 से 1.5% पर आकर के स्टैंड कर रहे हैं। डेथ रेट भी उत्तर प्रदेश में 1% से नीचे आ गया है और हमारे यहाँ पर 0.97% मुरादाबाद में है और इस आधार पर हम डेथ रेट में भी बहुत तेज़ी के साथ कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, नीति आयोग कहती है कि 5% से नीचे होना चाहिए और आज उत्तर प्रदेश उसमें 1.5% पर खड़ा है और हमारा मुरादाबाद भी 1.5 से 1.25% पर खड़ा है। आप कल्पना करिए कि 5% से नीचे और 1.5% 1% पर ले आना, यानी तेज़ी के साथ इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। और इसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है उसमें भी अभी उत्तर प्रदेश ने 1,63,00,000 वैक्सीनेशन कराया है। हमारे मुरादाबाद में भी लगभग 2,00,000 वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ पर 70 स्थानों पर जो सेशन चल रहे हैं 70 सेशन चल रहे हैं
और 33 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। यानी सभी दृष्टियों से जहां वैक्सीनेशन अच्छे ढंग से हो रहा है, आज हम वैक्सीनेशन सेंटर पर भी गए थे और उसी के साथ साथ इन सब कामों को लेकर के देखते हुए एक बहुत अच्छा अभियान यहां पर चल रहा है। अस्पताल का भी निरीक्षण मैंने किया है, वैक्सीनेशन सेंटर को देखा है, अद्भुत कमांड सेंटर चल रहा है जो ICCC का यहाँ पर काम है, उसके माध्यम से भी मैं लोगों ने देखा। हमने मरीज से सीधे संवाद भी स्थापित किया, उनकी हालचाल भी मैंने लिया है और उसके बाद यहाँ अधिकारियों के साथ हमने बैठक किया, एक एक चीज़ पर अच्छे ढंग से सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, कम्युनिटी किचन, टेस्टिंग, ट्रेस, ट्रीट और इसके साथ निगरानी समितियों का काम, RRT का काम, सभी कामों पर हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है। और निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे संगठन के दोनों अध्यक्ष और आदरणीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद है, सब लोग मिल करके सामूहिकता के साथ बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अब किसी को कोई समस्या नहीं आने पाएगी। मेडिकल की किट उनके घर पहुंच रही है, हलचल भी ले रहे हैं, सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं और पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करने में मुरादाबाद सफलता हासिल कर रहा है। मंत्री, जैसे थर्ड वेव का प्रयास लगाया जा रहा है कि अभी इसके थर्ड वेव आना बाकी है, तो किस तरीके से हमारी तैयारी है? क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा काफ़ी सारी ऑक्सीजन की क्राइसिस शॉर्टेज थी, तो क्या हमारी तैयारी है? देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है, हम 33 MT ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, 17 MT हमारा खर्च हो रहा है, यानी जस्ट डबल ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है, दवाई की कोई कमी नहीं है। तीसरी वेव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम बच्चों के लिए PICU तैयार कर रहे हैं और उसमें कम से कम 30 बेड का ICU बना रहे हैं। उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का ICU बन रहा है और हर तरीके की तैयारी, अगर तीसरी वेव आती है जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, तो उसकी भरपूर तैयारी उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिसी तरीके से ब्लैक फंगस की जो बात आई थी, उसको महामारी भी घोषित किया गया, हमारे मुरादाबाद के 2 केस आए थे उसको भी रेफर किया गया है, और इस तरीके से सब तरीके की तैयारियों से लैस उत्तर प्रदेश होगा। अगर बाई चांस तीसरी वेव आती है, भगवान न करे कि आए, तो हम लोग उसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं। मंत्री जी, भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुज्जर जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, जिसमें सुनवाई 7 तारीख को होनी है, क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे जितने ऑक्सीजन है, लगभग 1100 MT ऑक्सीजन आ रहा था और खपत इस समय 350-400 पे आ गई है। सरप्लस ऑक्सीजन है, दवाई सरप्लस है, इंजेक्शन सरप्लस है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और पूरे भारत में और देश में और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं की तारीफ हो रही है। मैं समझता हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अद्भुत है, अनुकरणीय है, अतुलनीय है। इसकी चर्चा, इसकी बातें जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, संरक्षित है और कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट मुरादाबाद में कब तक स्थापित? देखिए ऑक्सीजन प्लांट मुरादाबाद में 5 ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है, प्रोसेस में सब चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं होंगी और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारे दिखाई पड़ेंगे। सर, ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन यूज होने वाले हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन, उनकी कालाबाजारी हो रही है, बाजार में शॉर्टेज हो गई? देखिए उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं होने पाएगी, बहुत अच्छे ढंग से लोगों को सब चीज़ें प्राप्त होंगी और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दृष्टि रखी है, सब चीज़ें अच्छे ढंग से व्यवस्थित। मंत्री जी, किसानों को आज 6 महीने हो गए धरना देते, किसान 6 महीने काला दिवस मना रहा है, देखिए कोविड जैसी महामारी के दौरान आज मैं आप लोगों के बीच में कोविड पे बात करने के लिए आया हूँ और आपको सब मीडिया के मित्रों के सहयोग के कारण से जो कोविड पर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं सबसे चाहूँगा कि इस कोविड जैसी महामारी को परास्त करने के लिए हमको, आपको, सबको एकजुट होकर के इसमें लगना चाहिए और उस पर जो नियंत्रण स्थापित किया है पूरी तरीके से हम लोगों को विजय प्राप्त हो। इसके लिए मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ कि वैक्सीनेशन भी अधिक से अधिक हो, सुरक्षा कवच भी रहे, मास्क भी लगाएं, दूरी भी बना करके रखें और अपना काम भी चलाएं, जीवन और जीविका दोनों को लेकर के हम लोग चलें, जिससे हम लोग इसमें सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री, कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको लेकर क्या? अनाथ बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया है कि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, उनके पढ़ाई, रहने, खर्चा जितना कुछ होगा सब सरकार उसका वहन करेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीब लोग जो हैं उनको फ्री में 3 महीने का राशन भी दिया जाएगा, मुफ्त में 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल की व्यवस्था किया है, और जो पटरी ठेला खुमचा और जो नाई धोबी ऐसे लोग हैं उनको सबको भी सूची बना के भरण पोषण भत्ता भी 1000 रुपये दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। 45 प्लस के लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त में वैक्सीनेशन का आदेश किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और 18 प्लस के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त में वैक्सीनेशन का आह्वान किया है। तो हर तरीके की व्यवस्था सरकार कर रही है, किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये अद्भुत व्यवस्था है कि घर पर दवाई, घर पर टेस्ट करने वाले लोग, निगरानी समिति, हाल चाल, मुफ्त में राशन, भरण पोषण भत्ता, सभी व्यवस्था, जो अनाथ हुए बच्चे उनकी जिम्मेदारी, इस तरीके से सरकार जनता के साथ है, जनता के द्वार है, और उस काम को कर रहे हैं, और उसी की निगरानी के लिए आज मैं आपके बीच में आता हूँ। थैंक यू।